हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन का एक छोटा सा क्वेश्चन जिसको मैं ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसीजर हम लोग करने वाले हैं कॉपी पर। तो एक तरह से कॉपी पे ही आप इसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको पाइथन में लेके जाएंगे, ठीक है, तो पाइथन में लेके तो जा सकते हैं और इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहां पर ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वहां पर आपको सिस्टम नहीं मिलेगा, वहां पर आपको कॉपी पे ही सॉल्व करके इसका आंसर आउटपुट प्रिडिक्ट करना रहता है, वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं ये क्या है और कैसे कैसे क्या आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है 10 और y की वैल्यू दी गई है 0। फिर यहाँ वाइल लूप लगाया गया और कहा गया है x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा y से, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक्स वाई को प्रिंट करवा लिया गया है और यहाँ पे एक एक करके माइनस करते गया है, यानी x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो x की वैल्यू पहले क्या है, x की वैल्यू पहले है 10, ठीक है। तो जब 10 वैल्यू है, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूं आपको, पहले 10 वैल्यू है, ठीक है। लेकिन 10 में से एक माइनस होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 10 में से एक माइनस होगा तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 9। फिर 9 में से एक माइनस होगा तो 8, फिर 7, फिर 6, इस तरीके से फिर 5, इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। यहां तक तो बात क्लियर होगी। अब देखिए यहां पर जब अब हम दूसरी बात करने वाले हैं, यानी कि यहां पे कह रहा है y इक्वल टू y प्लस वन। y में क्या है, y में जीरो स्टोर है, ठीक है। तो y प्लस वन जब होगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा, y की वैल्यू वन हो जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि y से पहले y के अंदर मतलब y के अंदर शुरुआती दौर में जीरो स्टोर है, तो जीरो तो प्रिंट ही होगा यहाँ पे। तो सबसे पहली वैल्यू जो प्रिंट होगी वो जीरो प्रिंट होगी, ठीक है। उसके बाद जब इंक्रीमेंट करेगा तो एक आगे बढ़ेगा तो वन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो x की वैल्यू है ये y से तो मैच नहीं कर रही है ना, बिल्कुल मैच नहीं होगी और छोटी ही रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 तक ये होगा, ठीक है। और फिर अगर हम 5 कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे 5 भी कर देते हैं तो 5 नहीं प्रिंट करेगा ये, ठीक है। अब देखिए यही वैल्यू ये प्रिंट करेगा, तो एक बार इसको ड्राई रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम इसको करवाने वाले हैं ड्राई रन, तो पहले तो इसको ऑफ कर दूं। ये देखिए ये आ गया, अब यहां से इसको रन करवाता हूं। तो ये रन करवाने पे देखिए रिजल्ट जो है वेरी सेम, वही रिजल्ट हमें प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है।